दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच सीमा विवाद चल रहा है। इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और मैं भारत के वासियों से अनुरोध करता हूँ कि आप चाइनीज़ ऐप चलाना बंद करें। ये बात सुनकर हैरानी हुई होगी कि चाइनीज़ ऐप चलाना बंद करें तो फिर कौन सी ऐप का यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा ऐप आप उसके जगह पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार अभी डिजिटल टेक में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आप चाइनीज़ एप्लीकेशन के जगह पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है टिकटॉक या भीमेट। दोस्तों, अगर आप टिकटॉक या भीमेट यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल बंद करके आप उसके जगह पे ट्रिलर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अमेरिकन ऐप है। सेकंड पॉइंट आता है पबजी गेम। दोस्तों, अगर आप पबजी गेम यूज़ करते हैं तो उसके जगह पे आप फॉर्टनाइट गेम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे आता है हेलो ऐप। दोस्तों, अगर आप हेलो ऐप यूज़ करते हैं तो उसके जगह पे आप शेयर चैट यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आता है यूसी ब्राउज़र। दोस्तों, अगर आप यूसी ब्राउज़र एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसके जगह पे आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आता है दोस्तों शेयर इट या एक्सचेंडर, या जेंडर भी बोलते हैं उसको। दोस्तों, अगर आप शेयर इट या जेंडर यूज करते हैं तो उसके बदले आप उसके जगह पे फाइल्स बाई गूगल ऐप यूज़ कर सकते हैं। सिक्स नंबर पे आता है दोस्तों कैम स्कैनर। दोस्तों, अगर आप कैम स्कैनर यूज़ करते हैं तो उसके जगह पे आप एडोब स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। सेवेंथ नंबर पे आता है दोस्तों डब्ल्यू पी एस ऑफिस। दोस्तों, अगर आप डब्ल्यू पी एस ऑफिस यूज़ करते हैं तो उसके जगह पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। आठवें और लास्ट एप्लीकेशन आता है ब्यूटी प्लस। दोस्तों, अगर आप ब्यूटी प्लस यूज़ करते हैं तो उसके जगह पे आप B612 यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।